हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन विद्यार्थियों को ICAR से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी समस्तीपुर जो पूसा में है अलॉट हुई थी अलग अलग कोर्सेज के लिए, एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, बीटेक एग्रीकल्चर या फिर कम्युनिटी साइंस हो, जिस किसी कोर्स में भी, तो उसका नोटिस आ चुका है। आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी का नोटिस है ये। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 27 जनवरी दी गई है। अब इस फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, हम पॉइंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी फीस सबमिट को लेकर के। आपने ICAR काउंसलिंग दौरान 10,000 फीस जमा की थी इस यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलर्ट हुई उस सभी के लिए, ठीक। अब जो बची हुई फीस जमा करनी है वो ऑनलाइन मोड में जमा करनी होगी। उस फीस का डिटेल आपको 1 या 2 दिन में इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिलेगा जहाँ से आपको ये नोटिस प्राप्त हुआ है, ठीक। ये तो बात होगी हमारी फीस को लेकर के। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, फोटोकॉपी नहीं चलेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट एक भी आपका इनकम्प्लीट हुआ तो आपका एडमिशन रोका जा सकता है, उस यूनिवर्सिटी में कोई आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक। ये कंडीशन है। थर्ड यहाँ पर बात करते हैं क्लास को लेकर के। देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग में 3 चीज़ें हैं, एक क्लास के बारे में जानकारी, एक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक आपका लास्ट है फीस। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो क्लास के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि आपको तैयारी करके जाना है यूनिवर्सिटी में, हमें वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में रहना है और इस तरीके से आपको तैयार होकर के जाना है। बाद बाकी वहाँ पर अपडेट देंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्लास कब से शुरू है, कितने दिन में ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, क्या कैसे प्रोसेस होगा, वो आपको वहाँ पर जा करके ही पता करना होगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपको एक और है, 4th नंबर पर आपको कोविड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक। जहाँ पर भी आप रहते हैं देहात में, शहर में, आप नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में पास में देखेंगे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर कोविड का जो है चेक किया जाता है। तो कोविड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। विदाउट कोविड मेडिकल सर्टिफिकेट के आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे चूँकि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसको लेकर। एक और लास्ट बात है यहाँ पर नोटिस में दिया गया है कि आपको पेरेंट्स को लेकर के नहीं जाना होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स को वहाँ पर अवॉइड किया गया है, तो आप पेरेंट्स अगर जाते भी हैं तो आप उनको जो है बाहरी उनको छोड़ सकते हैं, आप हॉस्टल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक नोटिस था ICAR की तरफ से उन विद्यार्थियों को जिनको यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई थी। छोटी सी बात और कर लेते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनकी कई सारी यहाँ पर रिपोर्टिंग अभी बाकी है, यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई थी लेकिन बट उनको फिजिकल रिपोर्टिंग का कोई नोटिस नहीं मिला है, तो आप लोग कई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कॉल करते रहते हैं, तो आप कॉल ना करें, आप केवल उसकी वेबसाइट को चेक करें। वेबसाइट पर जो नोटिस आएगा आप उसी अकॉर्डिंग जान पाएंगे हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी। आपका एडमिशन कैंसिल किसी कीमत में नहीं होगा। कई विद्यार्थी हमसे बात करते, सर हमारा कैंसिल कहीं ना हो जाए, कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपको वहाँ पर पढ़ाई होगी और आपको हॉस्टल मिलेगा, कोर्स आपको मिलेगा, पर्सनल में कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोटिस था। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।